आज इस देश की असलियत यह है कि जब आपके सामने आते हैं भाजपा के नेता तो सिर्फ दो बातें करते हैं, महंगाई नहीं, बेरोजगारी नहीं, रोजगार कैसे बनाएंगे नहीं, खेतों को किसानों को मजबूत कैसे बनाएंगे नहीं, महिलाओं को अत्याचार से बचाएंगे कैसे बचाएंगे, ये बातें नहीं होती। सिर्फ दो बातें, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। कल आएंगे, परसों आएंगे मोदी जी, सुन लेना, यही दो बातें कहेंगे। हम सबको भ्रष्ट कह डालेंगे, सारी दुनिया भ्रष्ट है, सिर्फ मोदी जी ईमानदार हैं, ये कहेंगे आपको। ये कहेंगे कि सिर्फ मोदी जी अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिर्फ मोदी जी अपने बारे में ऐसे बोलेंगे, सिर्फ मोदी लड़ रहा है, मोदी को साथ दो। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि सच्चाई बाहर आ गई है, आज भ्रष्टाचार की सच्चाई बाहर आ गई है, क्योंकि इन्होंने एक कानून बनाया था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बोलते थे उस स्कीम को, जो उस कानून के तहत इन्होंने ऑर्डिनेंस से पास किया। उस स्कीम में जो भी इनको चंदा देता था उसका नाम गुप्त रहता था। गुप्त मतलब जनता को नहीं पता था कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है, ठीक है। इन्होंने ये स्कीम बनाई, खूब चंदा लिया, ठीक है, राजनीतिक दलों को लेना ही पड़ता है चंदा, लेकिन देखिए कि इन्होंने किस किस से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि ये नाम गुप्त हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नाम गुप्त नहीं होने चाहिए, पारदर्शी करो, सूची निकालो, किसने चंदा दी, किस राजनीतिक दल को दी, भाजपा को किसने दिया, कांग्रेस को किसने दिया, कितना दिया, ये सब जनता को पता होना चाहिए। जब ये सूची बाहर निकली भाइयों और बहनों, तो ये जो ईमानदार प्रधानमंत्री हैं हमारे, इनकी सच्चाई देश के सामने आई। पता चला कि जिस जिस पे छापा मारा था उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद केस खत्म, जिस जिसको भ्रष्ट कहा था, जिस जिस पे कार्रवाई की थी उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद कार्रवाई बंद। पता चला कि ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिनका मुनाफा कम था, चंदा ज्यादा दे रही हैं। पता चला कि ऐसी ऐसी कंपनियां से चंदा लिया जिनसे इनको शर्म आनी चाहिए। गुजरात में एक पुल बना, वो पुल गिरा, बनाने वाले से चंदा लिया। सोच लीजिए, इनको कहते हैं कि प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, ये सबको भ्रष्ट कहते हैं। इन्होंने ये औजार निकाल लिया है सारे विपक्ष को भ्रष्ट कहने का। यहां आपने देखा दिन रात भूपेश बघेल जी ने आपके लिए काम किया, मैंने देखा अपने आंखों से, क्या झेला है इन्होंने आपके लिए, आपकी सेवा के लिए, ये शायद आप पूरी तरह से नहीं जानते। इन पे कितने केस डाले कि गए, इनके कितने लोग गिरफ्तार किए गए, इनको कितना सताया गया, इनके पूरे परिवार को सताया गया, जो बीमार था, जो बुजुर्ग था, जो नौजवान था, सबको सामने बुलाया, छापा मारा, पूछताछ की, हर रोज कोई नया इल्जाम, हर रोज कोई नया आरोप, ये कहकर कि भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। और कह कौन रहा था, कह कौन रहा था, कह वो रहे थे जिस पार्टी के नेता इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम लाए, कह वो रहे थे जो आज सबसे भ्रष्ट साबित हुए हैं, और इतने भ्रष्ट हैं भाइयों और बहनों कि आरोप लगाते हैं। कल मैं बता देती हूं, अगर बघेल जी ने कह दिया ना कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं, तो कह देंगे कि ये सबसे ईमानदार इंसान है, क्योंकि जो उनके पास जाता है किसी भी पार्टी का नेता हो, तो सिलसिला आप देख लीजिए, क्रोनोलॉजी कहते हैं ना ये लोग, क्रोनोलॉजी, मैं बता रही हूं क्या क्रोनोलॉजी होती है। वो देखते हैं कि एक नेता अच्छा काम कर रहा है किसी दूसरी दल पार्टी में है, विपक्ष में है, देखते हैं कि ये सक्षम नेता है, उस पर आरोप डालते हैं, आरोप डालते हैं, कहते हैं भ्रष्ट है, केस डालते हैं, छापे मारते हैं, तंग करते हैं पूरे परिवार को, उनको दबाव डालते हैं कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ, भाजपा में।
वो बेचारा दबाव में आ जाता है, शामिल हो जाता है। जैसे ही शामिल हो जाता है सारे केस